वेलकम टू माय चैनल, माय किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिवाली स्पेशल मीठी मठरी की रेसिपी। इसको घर पर बहुत आसानी से बनाया जाता है और इस दिवाली मीठी मठरी को आप घर पर ज़रूर बनाएं। यह बहुत ही स्वादिष्ट होती है। सिर्फ दो चीज़ों से टेस्टी मिठाई बनकर तैयार होगी। मीठी मठरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी मैदा लिया है। आप कोई भी माप ले लें, कटोरी या कप, उसके माप के हिसाब से बनाएं। और यहाँ पर एक बड़ा कांच का बाउल लिया है। पहले हम मैदे को छान लेंगे। मैंने छलनी ली है और मैदे को डालकर आराम आराम से छान लेना है ताकि इसके अंदर कुछ है तो वो निकल जाए। और वैसे तो मैदा बिल्कुल साफ़ है, कई बार मैदे में कीड़े हो जाते हैं तो उसकी भी ट्रिक मैं बताती हूँ। आप मैदे को खरीद के बाहर ना रखें, उसको फ्रीज के अंदर रखें, किसी डब्बे में, एयर टाइट डब्बे में डाल के फ्रीज में रख दें। उसमें कुछ भी नहीं होगा, आप साल भर रख सकते हैं। और ये देखिए, इसमें कुछ भी नहीं निकला है। मैंने फ्रीज में रखा हुआ था मैदे को। और इस तरह से छान लेना है। अगर आप मैदा नहीं खाते हैं तो मैदे की जगह पे गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, उससे भी टेस्टी मठरी बनकर तैयार होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और बेल को प्रेस करना ना भूलें। बेल को प्रेस करने से मेरी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है, 4 चम्मच देसी घी डालेंगे। यहाँ पर तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर घी का इस्तेमाल करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। जैसे एक कटोरी मैदा लिया है ना, तो उसका 1/4 हिस्सा हमें मोन डालना है, यानी कि देसी घी डालेंगे। आप तेल भी डाल सकते हो। और अब हम आटे और घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मसल मसल के मिक्स कर लेना है ताकि पूरे आटे में मोवण चला जाए, देसी भाषा में मोण भी बोलते हैं। और इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। और बर्तन बड़ा लें, छोटे बर्तन में बाहर गिरने का डर रहता है आटे का, और उसमें अच्छे से मिक्स हो जाता है बड़े बर्तन में। अगर आप ज़्यादा मात्रा में मठरी बनाएं तो यहाँ पर 1 कटोरी की जगह 2 कटोरी मैदा लें और उसके हिसाब से बनाएं। और ये देखिए, इतना मोन डालना है जिससे मुट्ठी बंधने लगे आटे की। और यहाँ पर आटे की अच्छे से मुट्ठी बंध रही है, ये मैं दिखा रही हूँ आपको, और मोन परफेक्ट डला है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक टाइट डो लगा लेंगे। ज़्यादा नरम नहीं लगाना है, टाइट लगाएंगे। और डो नहीं, मसलना नहीं है, सिर्फ इकट्ठा करके रखेंगे, गूँथना नहीं है। जैसे हम रोटी का आटा गूँथते हैं ना, वैसा नहीं गूँथना है, सिर्फ इकट्ठा करके रख देना है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और एक बार में ही ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो ज़्यादा पानी हो जाएगा और जो आटा है वो पतला हो जाएगा, फिर अच्छी मठरी नहीं आएंगी। अब दिवाली आ गई है और दिवाली तो मिठाइयों का ही त्यौहार है, तो ऐसी चीज़ों को हम घर पर आसानी से बना सकते हैं, बाहर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बर्फी की भी वीडियो डाली हुई है, अगर आप वो भी देखना चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। और यहाँ पर डो लग के तैयार है, यानी कि आटा बन गया है। अब हम आटे को 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे, उसके बाद मठरी बनाएंगे। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरी देखने से पता नहीं चलता है कितना पानी डालना है, कितना मीठा डालना है। और यहाँ पर 10 मिनट हो गई हैं। आटे को एक बार थोड़ा सा हिला देंगे, मसल से लेंगे। और अब हम इनकी लोइयाँ तोड़ेंगे। लोई को आप अपने हिसाब से लें, अगर छोटी मठरी बनाना चाहते हैं तो थोड़ा आटा लें, अगर थोड़ी सी बड़ी बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा। और यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ की मठरी बनाऊँगी, तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा आटा ले कर रख रही हूँ मैं। सभी लोइयों को पहले बना लें, यानी कि तोड़ लें, उसके बाद बेलेंगे। और यहाँ पर थोड़े से आटे में करीब
9-10 मटरी बनकर तैयार होंगी। मैंने थोड़ी ही बनानी थी, इसलिए अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा मैदा लें, एक एक करके लोई को उठाएंगे और इस तरह से थोड़ी सी गोल बना के बेल लेंगे। बेलन की मदद से आप यहाँ पर सूखा आटा लगाकर भी बेल सकते हो और तेल लगा के भी बेल सकते हैं। मैं तो वैसे ही बेल रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी बेली जा रही है। और यहाँ पर बिल्कुल गोल मट्ठी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने गोलाई की शेप देनी है। बगैर शेप दिए भी अच्छी मटरी बनेंगी। और एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चों के लिए बनाकर खिलाएं। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आती है ये, इसलिए मैं जब भी मन करता है तभी मट्ठी बना लेती हूँ। और ये देखिए सभी मट्ठियों को बेल लिया है। अब हम एक एक मट्ठी लेंगे और इस तरह से कांटे वाली चम्मच के साथ इस तरह से कट लगा देंगे ताकि ये फूले ना। अगर इस तरह की चम्मच नहीं है तो ऐसी चम्मच है ना, उसके साथ भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने आपको दिखाया है और सभी मट्ठी को इस तरह से मैंने निशान लगा लिए हैं। और ये इसलिए लगाते हैं कि ये फूले ना। और यहाँ पर मैंने तेल ले लिया है, पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम पहले एक मट्ठी डाल के चेक करेंगे अच्छा गर्म हुआ के नहीं। हमें लो टू मीडियम फ्लेम को रखना है, पूरी हाई फ्लेम नहीं करना। ये देखिए इस तरह का गर्म तेल होना चाहिए जो बिल्कुल हल्के हल्के बबल्स उठें। अगर हम ज़्यादा गर्म तेल में मट्ठी डालेंगे तो वो बाहर बाहर से पक जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी, इसलिए हमने कम गर्म तेल को रखना है। और ये देखिए इस तरह से जितनी आ सके ना कढ़ाई में मट्ठी उतनी ही डालें। मैंने यहाँ पर 5 मट्ठियों को एक साथ डाल दिया है। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो बड़ी कढ़ाई लें और उसमें बहुत सारी मट्ठियाँ आ जाएंगी। और जब अपने आप ऊपर तैरने लगे ना मट्ठी, तभी पलटनी है, पहले नहीं पलटनी, नहीं तो ये टूट भी जाएंगे। और अगर अभी टूट गई तो फिर हम इनको चीनी में डालेंगे तो फिर और ज़्यादा टूट जाएंगी। और इस तरह से हल्के हल्के हाथ से आराम आराम से पलटते रहना है। और ये देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, आराम आराम से पलटते रहेंगे। और जब 3-4 मिनट पकते हुए हो जाए ना मट्ठी को, फिर गैस की फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि ऊपर से अच्छा कलर आ जाए। और इस तरह से अलट पलट करके अच्छे से पका लेंगे हम। दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। और अगर आप एक बार बना के खाओगे ना तो बार बार इस मिठाई को बनाओगे। और ये फूली भी नहीं है, अगर फूल जाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा मट्ठी वाला, वो पूरियां बन जाएंगी। इसलिए हमने जो कट लगाए थे ना, इसीलिए लगाए थे ताकि ये फूले ना। और बढ़िया मट्ठी बनकर तैयार हो। ये देखिए इस तरह से अलट पलट करते रहना है। देखो ना मैं बोलती हूँ ना, ये देखिए आप लोग देख रहे हो ना। एक बार फिर पलट देंगे, एक अच्छा सा कलर आने तक पकाएंगे। और ये देखिए हल्का हल्का ब्राउन कलर आ गया है और हमें इसी तरह का कलर चाहिए। बस अब हम निकाल लेंगे। और इनका जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो अभी भी नहीं रुका है, थोड़ा सा डार्क कलर और होगा इनका। पकेंगी अभी ये गर्म है ना, इसलिए थोड़ी देर और पकेंगी अपने आप। और अगले बैच को भी इसी तरह से डाल देंगे। और इस वक्त तेल फुल गर्म है तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। जब हम दूसरा बैच डालेंगे ना तो गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और वो अच्छी सी पक जाएंगी। और जब हम ज़रूरत होगी ना गैस चलाने की तभी हम गैस चलाएंगे। पहले तो इसी गर्म तेल में 3-4 मिनट पकाएंगे और जब हल्का गर्म रह जाएगा तेल तभी हम गैस को ऑन कर देंगे। 3-4 मिनट पकने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है अच्छा कलर लाने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर एक अच्छा कलर आ गया है। बस इस तरह का कलर रखना है, ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा कुकिंग कर लेंगे तो फिर बाद में भी पकती रहती है, इनका ज़्यादा डार्क कलर हो जाएगा। इस तरह का कलर परफेक्ट है। अब हम चाशनी बनाएंगे।
और जिस कटोरी से हमने मैदा लिया था उसी कटोरी से मैंने एक कटोरी चीनी ली है और एक कटोरी से भी कम पानी लेना है। जब इस तरह से सिर्फ डूब जाना चाहिए, चीनी को ज़्यादा नहीं डालना है। एक बार अच्छे से डूब जाए ना, बस उतना ही पानी डालना है। और अब हम फुल फ्लेम पर चलाते हुए पका लेंगे, यानी कि पिघला लेंगे चीनी को। और यहाँ पर हम एक गाढ़ी चाशनी बनाएंगे, ये देखिए, और साथ में डाल देंगे इलायची पाउडर। यह ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, टेस्टी होती है ये। और ये देखिए, मैं आपको चेक करके दिखाऊंगी चाशनी को भी कितना बनाना है। हम एक तार की चाशनी बनाएंगे यहाँ पर। अच्छी खासी गाढ़ी हो गई ना, दिखने में भी लग रही है कि गाढ़ी हो गई है चाशनी। इस तरह से टपक टपक के गिर रहा है, तो हमें इसी तरह की चाशनी चाहिए, बस एक तार की। आप चेक भी कर सकते हैं इस तरह से ठंडा करके उंगली पे लगा के। और ये देखिए, इस तरह की चाशनी चाहिए हमें। अब परफेक्ट चाशनी बन गई है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और गर्मा गर्म चाशनी में मठियाँ डालेंगे। मठी डालने के बाद एक मिनट के लिए गैस को ऑन कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मिक्स कर लेना है, सभी मठियों पर चीनी लगा लेनी है। और एक मिनट के बाद गैस की फ्लेम को बंद करके इस तरह से 2-3 मिनट चलाते रहना, मठियों को ऊपर नीचे करते रहना है, ताकि अच्छे से चीनी कोट हो जाए, मतलब चाशनी कोट हो जाए और ये अच्छी मीठी बनकर तैयार हो। ये देखिए, दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही हैं। और अब हम इनको एक ट्रे में निकाल लेंगे ठंडा करने के लिए। तो फिर चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।